हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट मेडिसिन यानी दवा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। ऐसे में उनके पास एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, डी फार्मा मतलब डिप्लोमा इन फार्मेसी का। इस क्षेत्र में करियर की अपार संभावनाएँ हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन मेडिकल सेक्टर तेज़ी से ग्रोथ कर रहा है और इसके साथ ही फार्मेसी सेक्टर भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और जॉब की संभावनाएं भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में इस क्षेत्र में सबसे छोटा कोर्स है डी फार्मा का। दोस्तों, इस वीडियो में डी फार्मा कोर्स से रिलेटेड पूरी जानकारी देने वाला हूं। वीडियो में आप क्या क्या जानेंगे उसको पहले समझ लीजिए। सबसे पहले डी फार्मा कोर्स क्या होता है, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, डी फार्मा कोर्स कितने साल का होता है, एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट कौन कौन से होते हैं, डी फार्मा का कोर्स किस कॉलेज से करें, फी कितनी होती है, कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है, इस कोर्स को करने के बाद स्कोप क्या है मतलब जॉब कहाँ मिलेगी, सैलरी कितनी मिलती है, डी फार्मा के बाद क्या करें। तो दोस्तों, इन सभी पॉइंट्स पे इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करूँगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं डी फार्मा कोर्स क्या होता है। दोस्तों, डी फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स है और इसका फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। डी फार्मा में स्टूडेंट को कई बातें सिखाई जाती हैं, जैसे कि दवाइयों को कैसे बनाया जाता है, दवाइयों की मार्केटिंग कैसे की जाती है, दवा को स्टोर कैसे किया जाता है। इसके अलावा फार्मेसी से संबंधित सॉफ्टवेयर का भी नॉलेज दिया जाता है। दोस्तों, डी फार्मा फार्मेसी विज्ञान में एक बहुत लोकप्रिय कोर्स है। आज के समय में फार्मेसी एक्सपर्ट्स की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद जानेंगे हम लोग इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। दोस्तों, डी फार्मा करने के लिए आपका 12th पास होना चाहिए, वो भी साइंस सब्जेक्ट के साथ। 12th में PCM या PCB आप ये कोर्स कर सकते हैं। PCM का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, और PCB का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इन दोनों में से आपने कोई भी स्ट्रीम से 12th किया है, आप ये कोर्स कर सकते हैं। ध्यान रखिए, 12th में आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। कुछ प्राइवेट कॉलेज इससे कम या ज़्यादा मार्क्स पर भी एडमिशन देते हैं। ओके, अब जानते हैं डी फार्मा कोर्स कितने साल का होता है। दोस्तों, डी फार्मा कोर्स 2 साल का होता है और एग्जाम के 4 सेमेस्टर होते हैं। चारों सेमेस्टर को पास करना होगा तभी डी फार्मा का कोर्स पूरा होगा। ध्यान रखिए, ये कोर्स एनुअल ही होता है, लेकिन इसे 4 सेमेस्टर में डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद जानते हैं एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, डी फार्मा कोर्स आप गवर्नमेंट कॉलेज से भी कर सकते हैं और प्राइवेट कॉलेज से भी। गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप इस कोर्स को करते हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। एंट्रेंस एग्जाम की मेरिट के आधार पर आपको एडमिशन मिलता है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज से ये कोर्स करना चाहते हैं तो आपको डायरेक्ट भी एडमिशन मिल जाता है। आप गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के द्वारा भी सरकारी कॉलेज से डी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा कई एग्जाम भी होते हैं जिनको पास करने पर आप सरकारी कॉलेज से डी फार्मा कोर्स कर सकते हैं, जैसे GPAT, JEE फार्मेसी, AUAIME, UPSEE, JEE पॉलिटेक्निक आदि। अब जानते हैं डी फार्मा का कोर्स किस कॉलेज से करें। दोस्तों, डी फार्मा कोर्स इंडिया में बहुत सारे कॉलेज करवाती है। आप किसी भी अच्छे फार्मेसी कॉलेज से डी फार्मा कोर्स कर सकते हैं। आप उसी कॉलेज से डी फार्मा करें जहां प्लेसमेंट का अच्छा रिकॉर्ड हो। किसी भी फार्मेसी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ठीक से कन्फर्म कर लें कि वह कॉलेज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त है या नहीं। चलिए आपको कुछ सेलेक्टेड कॉलेज के नाम बता रहा हूँ जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं दिल्ली फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, न्यू दिल्ली, बिहार कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बिहार। रक्षपाल बहादुर ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, मणिपाल, कर्नाटका। चितकारा यूनिवर्सिटी, पटियाला। देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट, देहरादून। विजडम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, अहमदाबाद। डेक्कन स्कूल ऑफ फार्मेसी, हैदराबाद। पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पुणे। जामिया हमदर्द इंस्टीट्यूट, दिल्ली। IFTM यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद। स्वामी विवेकानंद सुहाटो यूनिवर्सिटी, उत्तर प्रदेश। महेंद्र गायत्री पैरामेडिकल कॉलेज, बरेली।
इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी, मंगल यतन यूनिवर्सिटी अलीगढ़। दोस्तों अभी तक इतना कुछ जानने के बाद भी वीडियो में कहीं कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर सवाल पूछ सकते हैं। इसके बाद जानते हैं फ़ी कितनी होती है। दोस्तों डी फार्मा कोर्स की फ़ी सरकारी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में अलग अलग होती है। वहीं सरकारी कॉलेज की फ़ी की बात करूँ तो करीब 40,000 के करीब होती है। वहीं प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो इसकी फ़ी 80,000 से 1,00,000 के करीब होती है। ध्यान रखिए, आप जिस कॉलेज से भी डी फार्मा कोर्स करते हैं आप सबसे पहले उस कॉलेज की फ़ी के बारे में डिटेल से समझ लीजिए, उसके बाद ही एडमिशन लीजिए, ठीक है। अब जानते हैं डी फार्मा कोर्स में क्या पढ़ाया जाता है। दोस्तों जैसा मैंने आपको अभी बताया कि डी फार्मा कोर्स 2 साल का होता है, लेकिन एग्जाम 4 बार होते हैं, मतलब 4 सेमेस्टर में इस कोर्स को पूरा किया जाता है। वो कॉलेज पर डिपेंड करता है कि वो एग्ज़ाम कैसे लेते हैं। यहाँ मैं आपको 2 साल के सिलेबस को बता रहा हूँ कि आपको फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाया जाएगा और सेकेंड ईयर में क्या पढ़ाया जाएगा। देखिए फर्स्ट सेमेस्टर की बात करूँ तो इसमें फार्मास्यूटिकल 1, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी फार्मेसी। वहीं सेकेंड ईयर के सिलेबस की बात करूँ तो इसमें फार्माकोलॉजी 2, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2, फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल जुरिसप्रूडेंस, ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट, हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि इस कोर्स को करने के बाद जॉब कहाँ मिलेगी। दोस्तों डी फार्मा फार्मेसी क्षेत्र में ब्राइट करियर विकल्प है। फार्मेसी कंपनी या मार्केट में एक डी फार्मा के स्टूडेंट की काफ़ी डिमांड है। आपको पता है कि नई नई दवाओं की खोज हर रोज हो रही है। यही कारण है कि पिछले कुछ वर्षों से फार्मेसी स्पेशलिस्ट दवा रिसर्च और दवा के बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद ही आपको आसानी से जॉब मिल सकता है। दोस्तों अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो आपको कर्नाटका एंटीबायोटिक एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में जॉब मिल सकती है। वहीं इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड में मिल सकती है। इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स कॉरपोरेशन मिल सकती है। प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड में मिल सकती है। बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, ओडिशा ड्रग एंड केमिकल लिमिटेड, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड में जॉब मिल सकती है। वहीं प्राइवेट जॉब की बात करूँ तो आप प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं, आप टेक्निकल सुपरवाइजर बन सकते हैं, क्वालिटी एनालिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, केमिस्ट और ड्रगिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन साइंटिफिक ऑफिसर बन सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा फॉरेन में फार्मासिस्ट के लिए काफ़ी अवसर है। आप चाहें तो फॉरेन में काम करके अपना करियर बना सकते हैं या फिर खुद की मेडिकल स्टोर्स शुरू करके बिजनेस कर सकते हैं। अब जानते हैं सैलरी कितनी मिलती है। डी फार्मा के बाद सैलरी की बात करें तो फार्मासिस्ट कंपनी की सैलरी उनके अनुभव के आधार पर अलग अलग होती है। यदि ट्रेनिंग के तुरंत बाद फार्मासिस्ट कंपनी ज्वाइन करने वाले स्टूडेंट को एवरेज सैलरी 25,000 के करीब मिलती है, और जैसे जैसे समय के साथ अनुभव बढ़ता जाता है वैसे ही सैलरी में बढ़ोतरी भी होती जाती है। अब लास्ट में जानते हैं डी फार्मा के बाद क्या करें। दोस्तों डी फार्मा के बाद आप या तो फार्मेसी के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, इस क्षेत्र में डी फार्मा के बाद आप दवा बनाने वाली कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर मार्केटिंग या हॉस्पिटल में फार्मेसी की जॉब ले सकते हैं। वहीं डी फार्मा के बाद आप बी फार्मा करके करियर को और ऊंचाई पर ले जा सकते हैं, क्योंकि बी फार्मा एक बैचलर कोर्स है। डी फार्मा के बाद बी फार्मा करते हैं तो आपको ये कोर्स करने में 3 साल का समय लगेगा। वहीं अगर आप 12th के बाद बी फार्मा करते हैं तो आपको 4 साल का समय लगेगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों ये था डी फार्मा के बारे में पूरा डिटेल। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। थैंक यू।